लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरोफियत से होंगे। तो शुरू करते हैं जी हम आज का व्लॉग। आज जी हम बना रहे हैं जी अफ्तारी। अफ्तारी में सबसे पहले ये इधर हांडी तो बन गई है और मैं बना रहा हूँ जी आलू की चिप्स। और आलू की चिप्स ये देखिए फ्राई हो रही है, ये देखिए जी ये फ्राई हो रही है। और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि ये कितनी बेहतरीन बनी है। और साथ में मेरी हक के लिए है जी आज रईस साहब। हाँ जी रईस साहब, आपके रोज़े कैसे गुजरे हैं? बहुत अच्छे हैं। कितने रोज़े हो गए हैं जी आज? आज 12। 12 रोज़े हो गए हैं जी, जहीर के तकरीबन सारे रोज़े हैं। हाँ जी, और ये कह रहा है जी मैंने छुट्टी नहीं करनी, तो अल्लाह पाक नहीं करनी। छुट्टी नहीं करनी? क्या नहीं करनी? छुट्टी नहीं करनी। ओए ओए चलो जी, चलो जी चलते हैं जी हम अपने ब्लॉग की तरफ। ये देखिए इस वक्त हमारी जो चिप्स है वो जी फ्राई हो रही है। आज जी इन्होंने कहा जी चिप्स फ्राई करनी है, तो हमने सोचा जी हम घर में चिप्स फ्राई कर लें। जी हमारी चिप्स तैयार हो गई, अभी बाउल लेते हैं और उसमें हम इसको डाल। ये जी हमारे पकौड़ों की रेसिपी भी बिल्कुल तैयार है, और इसके बाद फिर हम ये बनाएंगे। आज है जी इसमें बैंगन के पकौड़े और आलू के पकौड़े, ये दोनों रेसिपी मिक्स की हुई हैं, ये इसमें शामिल है। इसके बाद ये फ्राई करें। और ये चिप्स देखें जी आप, इसका कलर देखें कितना बेहतरीन हो चुका है जी। और अभी हम चिप्स को निकालेंगे बर्तन में। हमारी हो गई है जी चिप्स इस वक्त बिल्कुल रेडी, इसको हम निकालते हैं जी इधर। ऑयल इसका ड्रेन कर करके आराम आराम से इसको हम निकालते जाएंगे और इस बर्तन में बाउल में हम शामिल करते जाएंगे। आप इसकी आवाज़ से पता चल गया होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है जी। ऑयल इसका कोशिश कर रहे हैं जो मुकम्मल ड्रेन हो जाए। जो हमारा आखिरी पूर रह गया वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ये पहले हमने इनको हाफ फ्राई कर लिया था, हाफ फ्राई करने के बाद अब हम इनको कर रहे हैं जी फुल फ्राई। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाए जुलाएंगे ताकि ये जो आपस में चिपकी हुई है ये आपस में से एक दूसरे को छोड़ दें। इसको हम रखेंगे जी 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही। और ये देखें ये हमारी जो चिप्स रेडी हो गई है वो देखिए कितनी बेहतरीन बनी। और ये हमने वैसे ही थोड़ी सी बनाए हैं जी इसके आलू के छिलकों के, ये देखे ये भी बड़े क्रिस्पी से बने हैं। इनको हम देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है, अभी तो रोज़ है अभी तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी सच्चे। और ये देखें ये जी अब हमारी चिप्स जो है उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। इसको हम रखेंगे ऐसे ही 5 मिनट के लिए और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जी चिप्स हमारी रेडी हो गई है और कैमरामैन जो हमारा था वो थोड़ा सा अनाड़ी था जिसकी वजह से वो हम क्लिप आपको नहीं दिखा सके। ये चिप्स हमारी रेडी हो चुकी है और ये बेहतरीन। और ये साथ में हमने आपको बताया था कि ये है आलू के फासल मादे, नहीं है फासल मादे, ये आलू के चिप्स जो उसके वो है छिलके, ये देखिए वही फ्राई कर रहे हैं जी अब हम। क्या मैं सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग चैनल के साथ ना एक कुकिंग चैनल भी बना लूँ ताकि जो मेरी आने वाली वाइफ है वो उसको सहूलत हो जाए, मैं खुद ही बनाऊँ और खुद ही पकाऊँ और खुद ही हम खाएं। क्या बात है। और साथ में मुझे वो एक बात याद आ गई, अपने औलाद की शादी को कराया जाए। माँ जी सुन रहे हो, अपनी औलाद की शादी को कराया जाए, किसी को अल्लाह भला करे। अपनी औलाद की शादी को कराया जाए। बड़ा जी हमारा ये वाला काम तो डन हो गया है। और अब्बास भाई आ गए हैं जी। अब्बास साहब क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक जी। सभी लोगों को आप अस्सलाम वालेकुम बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? क्या हाल चाल है?
और तेरा की हाल चाल है? मेरा की हाल चाल? हाँ की मेरे सामने की बस अब खाई सही हो गई है। हाँ जी ये देखिए ये हमारी चिप्स भी रेडी हो गई है और ये हमने जो पंगा लिया था वो भी रेडी हो गया है और ये अब्बास साहब लेके आए हैं जी दही भल्ले वो भी हमारे रेडी हैं और इनके साथ ये उन्होंने दो दिए हैं जी सॉसेस और ये हमारा अभी रह गया है ये अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमारे शेफ चेंज हो जाएंगे और जही साहब आ रहे हैं जी वो सामान वगैरह लेने गए हुए हैं घर से। की लेने गए जही करो कड़ी लेने गए हैं जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें यहाँ पे हमारे आलू मटर डन है और ये सारा सामान भी डन हो गया है जी। ये देखें जी बन रहे हैं पकौड़े बड़े आला किस्म के रेड हो रहे हैं यहाँ पे हमारे पकौड़े भी रेडी उन शदीद उन हो रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने नहीं लगता पकौड़े काबू भी होंगे इधर चेक कर पकौड़े ओए होए 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 वो एक घूमी आंदा ही बीच ओए होए 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 माशाल्लाह। ओए को फाड़ देने तो दो बार छोड़ देते हैं अगे अभी अभी एक पकौड़ा पड़े नाल उगल आया सही कर दे बंद कटी दे मैं एक आदत च रखने है ना वास्ते को पांडा इना वास्ते आ देखो जी पांडा हुन मेरा बच्चे रंदा मैं जी ये शेफ दोबारा चेंज हो गए क्योंकि ये अब मैं फ्राई कर रहा हूँ। अब ये देखते इधर हम क्या कमल कुत्ते लाते हैं और ये माशाल्लाह माशाल्लाह कलर फौरन फौरन इसका चेंज हो जा रहा है। इसके लिए हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी छेती और छेती वाला चमचा कहाँ है हमारा बिस्मिल्लाह अल्लाह तकबीर आखो जी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तकबीरा पढ़ दे आओ तकबीरा पढ़ दे जाओ करो कोई मीठी चीज खा के आओ क्या हां जी ते मौलवी वास्ते करो मस्जिद च पानी नहीं मस्जिद च पानी नहीं है ये ईद वाले दिन अक्सर एहो ही होते हैं। कल जुमे दी नमाज थे ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਮਸਜਿਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਮੌਲਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੈ ਉਹ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਰੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੋ ਗਏ ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅਸਲੋਂ ਸਾੜ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੱਲ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਵਜ਼ੇ ਮਸਜਿਦਦਾਰ चलती पी है और ये जी हमारी इफ्तारी इस वक्त दस्तरखान पर लग चुकी है। ये देखें जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह और रोज़ादार भी आके बैठ चुके हैं। ये देखें कासिम साहब आज सारा दिन सो सो के रब उठे हैं। कासिम साहब कैसा रहा आपका आज का रोज़ा सोए सोए हुए? और ये अभी हम करेंगे जी अपनी इफ्तारी और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि ये सब कुछ कैसा बना है जी। अफ्तारी हमने कर चुके थे और अब हम जा रहे हैं क्या लेने आइसक्रीम लेने जा रहे हैं हम बेकरी से। ये आ गई नवाब बेकर्स। अब यहाँ से हम लेंगे आइसक्रीम और वो ठीक है अभी हम ले रहे हैं जी
यहाँ से केचप और मायोनीज, अरे कासम उन्होंने नाल ही रेसिपियाँ लिख दी नाल ही रेसिपियाँ भी लिख दी अभी लेके हम घर आ गए आइसक्रीम, अभी हम उसको सर्व करेंगे। और ये देखे दीजिए हम लेके आए थे आइसक्रीम, ले आया यार। और अभी हम इसकी करेंगे सर्विंग, ये तो हिसाब ले आया जी, इसमें हमें डाल ले उसमें लपड़ के थे कसम साहब। ये अफनान किसके साथ लड़ाई कर रहा है? वालिदा मोहतरमा। अच्छा वापस लड़ाई की थी यार ने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। 23 मार्च है तो हम भी वही लेके हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये देखें जी शेरो किसका लेवल अप है, शेरा किसका लेवल अप है, किसका मुंह से बोले भाई मेरा। तोता मैना कहे, तोता मैना यार वाकई कमाल ने यार। उसे नवा करैक्टर आ गया उन्होंने को बिजली बिजली।